नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु। तो आज दोस्तों काफ़ी कमाल की दोस्तों टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर कई सारे अपडेट हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी डेली टेक न्यूज़ देखने को मिल जाया करेंगी। टाइम टेबल दोस्तों मैं आपसे कम्युनिटी टैब में आज रात को डिस्कस कर लूँगा कि कितने बजे आप टेक न्यूज़ देखना चाहते हो। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है हुआवे के नोवा 6 को लेकर। यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। ये फ़ोन दोस्तों बेसिकली 5G रहने वाला है और उसकी लॉन्च डेट है दोस्तों वो भी कंफर्म हो चुकी है। 5 दिसंबर को आपको दोस्तों देखने को ये मिल जाएगा चाइना में। इंडिया में दोस्तों देखने वाली बात होगी कि ये लॉन्च होता है या नहीं होता है, होता है तो कितने महीनों बाद दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे अच्छे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। 60 मेगापिक्सल का आपको बैक में कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि सोनी का सेंसर होगा। 32 मेगापिक्सल वाला आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली सैमसंग का सेंसर होगा। और इसमें दोस्तों क्रियन के 990 चिपसेट का यूज़ किया जाएगा जो कि दोस्तों बेसिकली 5G इनेबल्ड चिपसेट है, यानी कि ये वाला जो फ़ोन होगा वो 5G आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे एक बात साफ है, चाइना में नेक्स्ट मंथ से ही काफ़ी सारे 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो इसका मतलब इंडिया में भी 2020 के स्टार्टिंग में आपको 5G फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल इन फ़ोन के लिए वेट कर सकते हो। अब दोस्तों अगली हुआवे के बाद हम चलते हैं ओनर के ऊपर। ओनर के दोस्तों खास स्मार्टफोन ओनर का V30 और ओनर का V30 Pro। जैसा कि दोस्तों आपने लास्ट ईयर देखा था कि ओनर का V20 आया था, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था पंच होल डिस्प्ले के साथ, तो ये फ़ोन भी आपको जल्दी इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो इसके स्पेक हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ चुके हैं। ये फ़ोन भी दोस्तों जो दोनों होंगे वो 5G इनेबल्ड होंगे, यानी कि इनमें भी आपको क्रियन का 990 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 40 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर भी आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी भी काफ़ी अच्छी होगी। इनके बारे में दोस्तों जब फ़ोन थोड़ा सा और पास आएंगे इनके लॉन्च डेट, तो हम अच्छी तरह से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ओनर का V30 Pro 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं और ये जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाले हैं। तो आज की दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट Redmi K30। इसके बारे में कई सारी रूमर थी कि क्या फ़ोन में कौन सा चिपसेट आएगा। यहाँ पर दोस्तों कंफर्म कर दिया गया है कि ये फ़ोन 5G स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च होगा पहले चाइना में। लॉन्च डेट है दोस्तों वो भी कंफर्म हो चुकी है ऑफिशियली। दोस्तों 10 दिसंबर को ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, 5G इनेबल्ड होगा। इसमें कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज का कोई चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 735। अब दोस्तों एक खास बात मैं आपको बता दूं कि Redmi K30 दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। एक दोस्तों आपको 4G वेरिएंट देखने को मिलेगा और एक 5G वेरिएंट। खबर है कि दोस्तों एक मीडियाटेक के चिपसेट के साथ भी दोस्तों ये फ़ोन आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा है कि स्नैपड्रैगन 735 के साथ शायद आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा चाइना में 5G के रूप में। तो बिल्कुल आप इसका भी वेट कर सकते हो, इंडिया में भी आपको जल्दी ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। तो अगली खबर है दोस्तों मीडियाटेक की ओर से। तो मीडियाटेक ने काफ़ी अच्छी खबर दोस्तों हमको आज दी है। स्नैपड्रैगन को टेक ओवर दोस्तों करने की सोच रहे हैं ये चिपसेट के मामले में। यहाँ पर उन्होंने अपनी नई सीरीज मीडियाटेक की डायमेंसिटी वो अनाउंस कर दी है। यहाँ पर कई सारे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेंगे हर प्राइस सेगमेंट के अंदर। यहाँ पर जो पहला चिपसेट है वो भी अनाउंस कर दिया है, उसके स्पेक भी दोस्तों अनाउंस कर दिए। इसके बारे में दोस्तों मैं कल आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर बता दूं। तो इस लाइनअप का आपको पहला चिपसेट देखने को मिलेगा डायमेंसिटी 1000 5G। यहाँ पर आपको कोर्टेक्स के A77 कोर देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 8 कोर का दोस्तों ये पूरा का पूरा CPU रहने वाला है। 7 nm के ऊपर बना होगा। डुअल 5G आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप 2 सिम इसमें 5G के लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो इसके बेंचमार्क स्कोर आए हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हैं। स्नैपड्रैगन 865 की टक्कर का दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएगा। 4,80,000 से ऊपर दोस्तों इसके अंतु बेंचमार्क गए और गीक बेंच में दोस्तों इसने 11,000 से ऊपर का स्कोर हासिल किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है मीडियाटेक के लिए, यानी कि अब मीडियाटेक भी पहला उन्होंने अनाउंस कर दिया और इतना तगड़ा चिप अनाउंस किया है। और दोस्तों ये काफ़ी प्राइस में भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन के चिपसेट से जो यही परफॉर्मेंस आपको देंगे। तो ये एक बड़ी बात है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो बिल्कुल हम देखने वाली बात होगी कि कौन सा फ़ोन सबसे पहले इसके साथ आता है। इसके बारे में हम कल अच्छी तरह डिस्कस कर लेंगे कि क्या ये है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर है कि सैमसंग गैलेक्सी A90 दोस्तों जो फ़ोन होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों शायद जाने वाला है। और यहाँ पर एक खबर ये है कि ये फ़ोन भी 5G होगा। स्नैपड्रैगन 855 आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर होंगे, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। बैटरी भी अच्छी खासी रहने वाली है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, इन्फिनिटी यू टाइप की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, पंच होल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गैलेक्सी A90 दोस्तों ये फ़ोन इंडिया में पता नहीं देखने होगा कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाकी जगह आपको जरूर फोन ये देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी अपडेट है कि Redmi Note 8 Pro।
इसका दोस्तों एक नया वेरिएंट यहाँ पर जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ओशन ब्लू जो कि एक फाइनल वेरिएंट है, इसका लुक दोस्तों लीक हो चुका है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों देखने में ये फ़ोन, और काफ़ी कलर भी काफ़ी इंप्रेसिव है, ग्लास की बैक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जल्दी दोस्तों आपको इंडिया में भी एक नया वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। खबर है कि दोस्तों 256 GB वाला भी कोई वेरिएंट आपको देखने को मिले, लेकिन ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक डिफरेंट कलर तो आपको ज़रूर इसमें देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी आप वेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कलर OS 7 है वो फाइनली लॉन्च कर दिया गया है, काफ़ी सारे अच्छे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। और जो कौन कौन से स्मार्टफोन में कब देखने को मिलेगा, तो इसकी भी दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया माधव सेठ जी ने, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले Realme 3 Pro और Realme XT में आपको देखने को मिल जाएगा, तो अच्छी बात है कि Realme 3 Pro में आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है। बाकी जो ये लॉन्च, बाकी दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा डिले भी दोस्तों अपडेट में हो सकता है। इसके अलावा एक खास बात है कि स्टॉक एंड्रॉयड बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो सोच रहे हो कि स्टॉक एंड्रॉयड होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, देखने में आपको लग सकता है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से है वो बेसिकली कस्टम UI आपको देखने को मिलती है, स्टॉक एंड्रॉयड आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों Realme भी अपना नया स्मार्टफोन 2020 में लेकर आएगा, Realme X 55G। बेसिकली दोस्तों पोस्टर में तो इन्होंने Redmi की कॉपी कर ली है, लेकिन हालांकि कब तक ये फ़ोन लॉन्च होगा ये एक देखने वाली बात होगी। अगर ये फ़ोन जल्दी आता है, Redmi से पहले कोई लॉन्च कर देते हैं Redmi जब 5G फ़ोन लेकर आए इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इनके लिए होने वाला है। लेकिन जो फ़ोन की प्राइसिंग है वो लगभग 30,000 रुपये के आसपास यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, काफ़ी दोस्तों इस एक्सपेंसिव आपको देखने को लगेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या लास्ट मोमेंट पर चीज़ें निकल कर सामने आती है। तो ये थी दोस्तों आज की टेक न्यूज़, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो भैया आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। कोशिश किया दोस्तों आपको ज़रूर रिप्लाई में दे भी दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।